Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sada Korat from Bidar, Karnataka. The problem integral calculus ke volume and surface revolution chapter se hai. Find the volume of the solid formed by the revolution of the loop of the curve pi square is equal to x square a minus x about x axis. तो सबसे पहले यहाँ पर चूँकि कर्व की यहाँ पर लूप की लिमिट नहीं दे रखी है कि जो हमें रेवोल्यूशन कराना है लूप का उससे एक सॉलिड बनेगा उस सॉलिड को वॉल्यूम फाइंड करना तो लिमिट पता होना चाहिए और जिस कर्व को रिवॉल्व कराना वो पता है उससे एक लूप बनेगा लूप कहाँ बनेगा और लिमिट क्या होगी इसके लिए हमें रफ ट्रेसिंग करना होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x इसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस और स्क्वायर रूट a माइनस x तो यहाँ पर अगर हम इसको रफली प्लॉट करें तो देख रहे हैं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ये ओरिजिन है और इस इक्वेशन ऑफ कर्व में देख रहे हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ये कर्व ओरिजिन सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये कर्व ओरिजिन से पास होगा ये यहाँ से क्लियर हो रहा है और हम ये देखें कि लूप जो बनेगा उसकी लिमिट क्या होगी तो उसके लिए देखेंगे लूप एक्स एक्सिस पे बनेगा क्योंकि एक्स के दो फैक्टर हैं और लूप की लिमिट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में वाई की जगह पर ज़ीरो पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में तो ज़ीरो रखने पर यहाँ पर दो फैक्टर जो मिल रहे हैं तो एक्चुअल में तीन फैक्टर लेकिन एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी एक तो इससे मिलेगी एक्स बराबर ज़ीरो इसको जब ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए यानी ये लूप बनेगा वो ज़ीरो से लेके ए तक अगर ये डिस्टेंस ए डिनोट हो रही है तो इसके बीच में ही ये लूप बनेगा और देखेंगे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर ए से हम बड़ी रखते हैं जैसे टू ए रख दी या ए से थोड़ी सी बड़ी रखी तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आएगा इससे बाई इमेजिनरी हो जाएगा यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट यानी ए कमा ज़ीरो पॉइंट के से आगे कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं है लेकिन एक्स की वैल्यू अगर निगेटिव रखते हैं तो ये निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि रियल होगा जिसका मतलब अगर एक्स की जो निगेटिव वैल्यू होंगी उसके लिए कर्व की वैल्यू होगी और देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे एक्स निगेटिव में बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू भी बढ़ेगी और यानी एक्स की वैल्यू इस तरफ बढ़ने पर निगेटिव डायरेक्शन में वाई की वैल्यू बढ़ेगी कर्व इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर वाई में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा जैसे ऊपर बनेगा वैसे ये नीचे बनेगा हालांकि हम लोगों को कर्व को ट्रेस कंप्लीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लूप की लिमिट पता चल रहा है इसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अब इसको जो बताया जा रहा है एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे जो लूप बना है तो इससे एक सॉलिड जनरेट होगा इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसको हमें फाइंड करना है तो लिमिट पता चल चुकी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है तो एक्स बराबर ये पॉइंट जो है वो एक्स इक्वल टू ज़ीरो यानी वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है और इस पर एक्स इक्वल टू ए है तो ज़ीरो से लेके ए लिमिट है इस पोर्शन को हमें रिवॉल्व कराना है और एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराया जा रहा है तो इसलिए डी एक्स होगा और एक्स की वैल्यू ये बता चुके हैं जीरो से लेके ए तक होगी यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से वैल्यू पुट कर देंगे पाई कॉन्स्टेंट में है इनटू में है बाहर ले लेते हैं इसको लिमिट ज़ीरो टू ए यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन जो डाल रखा था वहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो पाई लिमिट ज़ीरो टू ए और वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स डी एक्स इसको एक्स स्क्वायर का इन दोनों टर्म्स में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डी एक्स आप यहाँ पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे तो पाई कॉन्स्टेंट इंटू में बाहर रखें इसको और ए कॉन्स्टेंट ऐसे इंटू में बाहर देते हुए एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी यानी थ्री हो जाएगी अपान थ्री से डिवाइड हो जाएगा माइनस का साइन लगा दिया इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थ्री पावर से फोर हो जाएगी अपान उतने से ही डिवाइड हो जाएगा लिमिट ज़ीरो टू ए है यानी एक्स की वैल्यू अपर लिमिट पहले ए रखना है फिर ज़ीरो रखेंगे तो पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा हमको एक्स वहाँ पर उसकी अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ज़ीरो रखनी है
पाई इंटू में था कांस्टेंट, उसे बाहर रखें, अपर लिमिट यहाँ पर जो एक्स था वहाँ पर ए रख दिया, उसका क्यूब था तो क्यूब कर दिया, अपान में थ्री था वो लिख दिया, माइनस एक्स की पावर फोर था, एक्स यहाँ पर ए रखना तो एक बार फोर अपान फोर हो जाएगी, ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में चूँकि जहाँ पर हर दोनों टर्म में एक्स आ रहा तो एक्स यहाँ पर ज़ीरो रखने पर ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, तो पाई ए की पावर थ्री और वन पावर फोर हो जाएगी, अपान थ्री माइनस ए की पावर फोर अपान फोर, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को एलसीएम ले लेंगे, 4 का उधर इनटू हो जाएगा, 4 ए की पावर 4 माइनस 3 ए की पावर 4, अब 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स माइनस होंगे तो 1 टाइम्स ए की पावर 4 बचेगा अपान में 12, तो हमारा ये आंसर आ चुका है, यानी पाई ए टू द पावर 4 अपान 12, ये कंप्लीट आंसर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकुरुद्दावाना अलहमदुल्लाहि रब्बिल आलमीन।